विश्व के प्रादेशिक भूगोल बीए पार्ट थर्ड ईयर में एशिया की जलवायु के बारे में अपन बात करेंगे। एशिया में मुख्यतः एशिया के महाद्वीप की दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यतः दो जलवायु ही पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में आज ग्रीष्मकालीन ताप से संबंधित अपन बात करेंगे, इसमें इनकी ग्रीष्मकालीन दशाएं क्या हैं, वायुदाब कैसा रहता है और एक दो चीज़ें और हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। इससे पहले अपन ये चालू करें तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जो एशिया है कौन से गोलार्ध में पड़ता है। एशिया भूमध्य रेखा से 90% से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और देशांतरों के हिसाब से देखा है तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये गोलार्धों में इसको बांट दिया कि इसका मुख्य भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो इसकी सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन से स्थितियाँ, इसकी जलवायु की स्थितियाँ के बारे में अपन जान पाएंगे कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, ग्रीष्मकालीन स्थिति में देखें तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तब सूर्य कर्क रेखा पर जो कि भारत के लगभग मध्यम होकर गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उस समय एशिया का तापमान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसमें अगर अपन साइबेरिया के क्षेत्र की बात करें तो उससे ऊपर उत्तरी भागों की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ तापमान बढ़ जाता है। और जो दक्षिण एशिया का भाग है वहाँ पे 34-35 डिग्री औसत तापमान दर्ज किया जाता है। अब यही वो क्षेत्र है जहाँ पर जकोकाबाद जो कि पाकिस्तान में स्थित है 54 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, मैंने इसमें दर्शाया हुआ है। और यहाँ देखेंगे वर्कुनायस्क जो कि रसिया का एक पार्ट है जो कि पूर्वी साइबेरिया में पड़ता है, यहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस तापमान शीतकालीन में दर्ज किया जाता है। उच्चतम, विश्व का उच्चतम तापमान एशिया में ही दर्ज किया जाता है मुक्त। अब आप ये देखिएगा कि जो पर्वत श्रेणी भाग है, अपन ने पढ़ा था भारत एशिया का जो भौगोलिक भाग पढ़ा था, भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, डिवीजन पढ़े थे, तो उसमें जो पामिर की गांठ के आसपास जो क्षेत्र है और उससे जो शाखाएं निकल रही पर्वत पठारी उच्च भाग जो इसमें मैंने दर्शा रखा है, ये देखिएगा ये भाग, ये मध्य एशिया है। अब इस मध्य एशिया जलवायु के आधार पर दो भागों में बट गया, उत्तरी भाग शुष्क एशिया हो गया, ये देखिएगा इसे शुष्क एशिया कहते हैं, और नीचे का भाग है जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वो मानसून एशिया हो गया। अपन ग्रीष्मकाल के बारे में आज बात कर रहे हैं तो ये अपन को पता होना चाहिए कि शुष्क एशिया वर्षा कम होती है, मानसून एशिया में वर्षा ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। तो इससे पहले अपन ये और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें, अपन को जलवायु को, जो एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मुख्यतः एक तो है अक्षांशीय विस्तार। अब इसका अक्षांशीय विस्तार एशिया का किधर से है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें अपन को मालूम होनी चाहिए। अब आप देखिएगा अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध में किधर ये फैला हुआ है, ये सारी स्थिति है जो कि जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा समुंदर से दूरी, इसके जो एशिया है इसके तीन साइड में, एक तो उत्तरी भाग में आर्कटिक सागर है, एशिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है, और पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर कह सकते हैं अपन, भूमध्य सागर फैला हुआ है, काला सागर, भूमध्य सागर। तो ये चारों ओर से
सागरी भाग से, तो नहीं, तीन भागों से, तीन ओर से सागरी भाग से घिरा हुआ है। अब इसमें आप देखिएगा कि जो आंतरिक भाग है वो कम से कम 3,500-3,000 किलोमीटर दूरी पड़ती है समुद्र से उस स्थल भाग की, तो जलवायु तो में तो भिन्नता आएगी। तो इसके मामले में ये इस तरीके से जलवायु को प्रभावित करता है ये टॉपिक पॉइंट। अब तीसरा है उच्च पर्वत श्रेणियाँ जो कि मध्य एशिया में फैली हुई हैं, ये क्षेत्र भी जो मैंने बताई दिया था शुष्क एशिया और मानसून एशिया में बटा हुआ है, ये क्षेत्र दक्षिणी एशिया के लिए जो मानसून एशिया है जो भारत का उप महाद्वीपीय भाग है इसके लिए अच्छा भी है, अच्छा इस दृष्टि से कि जो शीत उत्तरी भागों से जो ठंडी हवाएं आती है, शीत लहरें आती है, उससे हिमालय पर्वत ये पर्वत उच्च पर्वतारी भाग रक्षा करता है। अगर ये नहीं होता तो आज ये क्षेत्र भी शीतलहर की चपेट में होता और यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, वर्षा कम होती। अब आप देखिएगा जो अब दूसरी दृष्टि से देखें कि जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है, अब वो मानसून अगर ये पर्वत नहीं होते तो ये मानसून जो अरब सागर में उठते हैं, चक्रवात उठते हैं, वो सीधे हिमालय से टकरा कर वापस बरसात करते हैं। अगर वो उच्च भाग नहीं होता तो वो सीधे निकल जाते, तो पूर्वी जो एशिया का भाग है शुष्क एशिया कहते हैं वो आज शुष्क नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आज अब अपन बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में अपन बात करें तो ये तो है ही कि ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से सितंबर तक है और सितंबर से आगे अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु चलती है। तो अपन ने ये बात भी कर ली कि भाई कि सूर्य उत्तरायण होता है तो एशिया में तापमान बढ़ जाता है अपेक्षा जो शीतकालीन की अपेक्षा, और जो 25 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है अब ये देखिएगा आप 26 डिग्री ये है सेल्सियस की ये रेखा है, इसके पास से ही इनके पास से ही मध्य भाग से ही 25 डिग्री सेल्सियस ये दो जैसे 26 डिग्री सेल्सियस ये दो भागों में बांट रही है, एशिया को दो भागों में बांट रही है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, ये देखिएगा वायुदाब। अब ये देखिए वायुदाब, अब वायुदाब कहाँ कम है ये देखिएगा, जो 999 लिखा हुआ है ये देखो ये वायुदाब क्षेत्र, तो ये क्षेत्र कहाँ है पश्चिमी भारत से और कहाँ फारस की खाड़ी, ये क्षेत्र पूरा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तिब्बत के पठार पर, ये वाला क्षेत्र मध्य एशिया में ये दो निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं। और उच्च वायुदाब के क्षेत्र एक तो हिंद महासागर में है देखिए और एक है पूर्वी प्रशांत महासागर या फिर कहें पूर्वी एशिया में देखिएगा सागर में है उच्च वायुदाब क्षेत्र। यहाँ से हवाएं उच्च और हवाएं जो भी हैं जो है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। अब इन तीरों को देखिएगा आप, ये तीर हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही हैं, हिंद महासागर से जा रही हैं और प्रशांत महासागर से जा रही हैं। जो हिंद महासागर से जाएंगी वो दक्षिणी एशिया जो दक्षिणी एशिया में बरसात करेंगी, दक्षिण पूर्वी एशिया में बरसात करेंगी, और जो प्रशांत महासागर से जो पूर्वी प्रशांत महासागर से जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वहाँ से हवाएं पूर्वी एशिया में बरसात करती है। जैसे जैसे अंदर की साइड जाती है चाहे दक्षिणी एशिया से दक्षिणी जो सॉरी हिंद महासागर से जाएं या प्रशांत महासागर से जाएं, आंतरिक भागों में जैसे जैसे जाएंगी अंदर तो इनमें इनकी हवाएं जो वर्षा की वो है मात्रा कम होती जाएगी, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाने पर वर्षा कम होगी क्योंकि आर्द्रता कम हो जाएगी। आर्द्रता ये कहाँ से लेती है महासागरों से, और महासागर से जैसे जैसे स्थल भाग के अंदर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं, अभी देखो इसमें लिखा भी है देखो
महासागरों से स्थल की ओर आर्द्र पवनें चलने लगती हैं, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, जो कि आप देखोगे, आपने भारत का भूगोल जब अपन पढ़ेंगे इसके में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, एशिया का भूगोल में जो भारत भारत है, तो भारत में ये देखिएगा आपको ये अरब सागर में हाई प्रेशर बनता है और निम्न वायुदाब क्षेत्र पश्चिम उत्तर भारत में होता है, जिधर से हवाएं चलती हैं, और ये दो शाखा के रूप में चलती है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। तो इसके बारे में अपन बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, मानसून के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एशिया में मानसून किस तरीके से फैला हुआ है। अब नेक्स्ट वर्षा का, अब वर्षा देखिए, एशिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा, ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है सबसे कम होती है 25 सेंटीमीटर, जो ये बिंदु से हल्के बिंदु दे रखे हैं, ये हल्के बिंदु देखो, पश्चिमी एशिया का जो भी देश है ये सारे आ रहे हैं इसमें, और जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब और चाइना का मध्यवर्ती भाग है, मध्य एशिया और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे क्षेत्र आ रहे हैं, और उत्तरी भाग साइबेरिया के जो भाग है, टुंड्रा प्रदेश है, वो सारे क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। इसके बाद 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को देखिएगा, इनके लगते हुए किना सटवा इनके जो ये क्षेत्र है 25 सेंटीमीटर से, वो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा के जो तो हल्के बिंदु, ज़्यादा मोटे बिंदु हैं, ये देखिएगा, ये सारे इसमें 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब इसके बाद में आप देखिएगा 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र मध्य भारत हो गया, चाइना का मध्य भाग हो गया, जो सिक्यांग की घाटी है, यांगटे सिक्योंग की घाटी है, और इधर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, और एक शाखा दक्षिणी भारत में भी चल जाती है, जो कि 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है। इसके अलावा 150 से, अब आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक वाली वर्षा वाले क्षेत्र भारत का पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, ये तटीयवर्ती भाग, ये 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो इरावदी चिंदविन के क्षेत्र, जो बेसिन है, वो क्षेत्र भी इसी में आ रहे हैं, सिक्योंग बेसिन है, ये भी इसी में आ रही है, और भूमध्य रेखा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो इंडोनेशिया और मलेशिया वाले क्षेत्र हैं, ये भी इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा जो ये ग्रीष्मकालीन वर्षा वाला क्षेत्र है, इससे ये क्लियर होता है इस क्षेत्र से कि जैसे जैसे जहाँ उच्च वायुदाब है और निम्न वायुदाब क्षेत्र था, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाते हैं, तो पहले जहाँ पे पर्वत पड़ता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो टकराते हैं। केरल में जैसे प्रस्फुटित होता है, जहाँ वर्षा ज़्यादा करता है, और कहीं जहाँ पर अवरोध नहीं है तो हवाएं सीधी चली जाती हैं, तो अंदर जाके भी वर्षा कर देती है, और अंदर जैसे जैसे जाएंगी वर्षा कम होती जाएगी। आप इस चित्र में देख ही रहे हो, आंतरिक भाग हैं जहाँ बिल्कुल वर्षा का अभाव है, और एक वृष्टि छाया प्रदेश होता है जहाँ पर्वत के छायापर्ति प्रदेश, जहाँ पर वर्षा कम होती है, और जहाँ पवन मुखी ढाल होता है वहाँ वर्षा अधिक होती है, पवन विमुखी ढाल पर वर्षा कम होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो जलवायु और ये के तत्व हैं, इनसे संबंधित हैं।